मिस्र देश में वैसे तो हम लोग की हमेशा बात करते हैं लेकिन हम लोग सबको देश में गया और जोसेफ के साथ रहा और वहां पे कितनी बातें होती हैं हम लोग ये भी देखते हैं लेकिन जो बातें आज हम लोग शेयर करने वाले हैं आपके साथ वो ये है कि सकारा एक जगह है मिश्र देश में जहाँ पे फैक्ट्रीज दो फैक्ट्रीज पाई गई हैं जहां पे ममीज तैयार की जाती है अब मम्मी क्या होता है हम लोग में से बहुत लोग जानते हैं मम्मी क्या होता है मम्मी वो नहीं है जो हम आपके हम किसी की मम्मी है कोई मेरी मम्मी है और हमारे बच्चों की मम्मी है वो मम्मी नहीं मम्मी जो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं जो कि मैंने कोशिश किया कि हिंदी में पता लगाए लेकिन वहाँ भी मम्मी ही लिखा था वो है कि जब शरीर मर जाता है तो वो लोग उस शरीर को तैयार करते हैं ताकि बरसों और बरसों और बर तक वो शरीर ठीक रहता है क्योंकि उसके पर बहुत दवाइयाँ लगाई जाती है और बहुत मेडिसिन मेडिकल तरह से उसको किया जाता है तैयार अब वो सामने आपको एक पिक्चर दिख रहा है जो के कई एक म्यूजियम्स में जैसे कलकत्ता के म्यूजियम में भी ममीज़ रखी गई हैं जो बहुत लोग जाकर के देख सकते हैं वो बहुत बड़ा म्यूजियम है कलकत्ता में और इजराइल में है मिस्र देश में है जब हम लोग गए थे वहां पे हम लोग ने भी देखा तो ऐसा होता है कि जब ये इंसान मर जाता है और ज्यादातर राजाओं के साथ और बहुत धनी लोगों के साथ होता था कि जब वो मर जाए तो उनको एक फैक्ट्री में ले जाता है ले जाया जाता है वहां पे दो पत्थर के पलंग बने रखे हैं उस पे शरीर को रख के और शरीर के कई एक हिस्सा जो है निकाला जाता है ताकि वो खराब ना हो जाए और इनके ऊपर दवाइया हर प्रकार की दवाइयाँ लगाई जाती हैं और उसमें से वो सब गंदगी जो शरीर में हो जाती है जब हम लोग नहीं रहते हैं इस दुनिया में और उसमें नई-नई दवाइयां डाल करके ढेर सारी पट्टियां बांधी जाती हैं और उसमें से कितने राजाओं के ममीज उसको ममी कहा जाता है वो कई एक राजाओं का रानियों के ममीज पाई गई हैं अभी भी जो हजारों साल पहले उनको तैयार किया गया था और आज वो पाए जाते हैं बिल्कुल वैसे और ऊपर से उनका चेहरा लोग बना देते हैं जो चेहरा उनका असली था लोग किस तरह से करते हैं ये तो पता नहीं लेकिन हम आपके साथ ये क्यों शेयर कर रहे हैं आज कि हम लोग जेनेसिस में देखते हैं उत्पत्ति में देखते हैं कि जब जोसेफ देश में एक बहुत बड़े पद पे जाता है और बाद में पता चलता है कि उसके पिता जी और बाकी भाई लोग सब जिंदा है उनको बुला लेता है कि तुम लोग भी आओ और हमारे साथ मिस्र देश में रहो जब वो लोग रहते हैं वहां पे समय हो जाता है अः याकूब का परमेश्वर के पास वापस जाने का और अपने सब बच्चों को अपने पास बुलाता है और बोल देता है कि देखो हम जा रहे हैं लेकिन हमारे हमको यहाँ मत दफनाना हमको लेके जाओ वापस जहां पे मैंने जमीन खरीदा है जहाँ पे मेरे पिता हैं जहाँ पे मेरी पत्नी को गाड़ा गया है तो वो लोग क्या करते हैं योसफ जब याकूब मर जाता है तो जोसफ क्योंकि बहुत बड़े पद पे होता है वो अपने नौकरों को बोलता है इनके शरीर को तुम तैयार करो और इसको हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति पचास देखिए सामने लिखा उत्पत्ति पचास दो से शायद इक्कीस तक आप पढ़िएगा और

उसके शरीर को तैयार करने के लिए उसके बाद सत्तर दिन तक उन लोगों ने उसके लिए मातम मनाया जब वहां पे गए तो आप सोचिए कि यह शरीर की हालत क्या होती अगर वो लोग इम्बाम नहीं करते तो उन लोगों ने उसको इम्बाम किया उसको ममी बनाया और लेके गए और वहां पे उनको गाड़ा गया जहां पे उसकी पत्नी भी थी और पिता भी थे वो देखिए मम्मीज इस तरह से बनाए जाते हैं उसको आप सीधा खड़ा भी कर दिया कोई सोचेगा स्टार्च लग गया हो ऐसे खड़े हो जाते हैं और गिरते नहीं है कुछ नहीं होता है उनको क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा काम किया गया लेकिन उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं उत्पत्ति में अगर नीचे पढ़ते जाएं उत्पत्ति 50 22 में देखिए आप 22 से 26 तक आप देखिए कि जोसेफ की भी मौत होती है और वो अपने भाइयों को कहता है कि देखो मुझे यहाँ मत गाड़ना एक दिन परमेश्वर तुम लोग को लेके जाएगा यहाँ से तुम लोग जाओगे इस देश को छोड़ के तुम लोग उस देश में जाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है लेकिन मेरी हड्डियों को यहाँ छोड़ना मत तुम मेरी हड्डियों को जरूर लेके जाना तो उसमें भी दिखाते हैं वो लोग के करीब साढ़े साल तक उसकी हड्डिया रहती है मिस्र देश में उसको हर प्रकार की दवाई लगा करके मम्मी बना करके रखा जाता है और जब मोशे पे आता है और उन लोग की हड्डिया साथ में जाती हैं ताकि वहां जाके उसको गाड़ा जाए और वो एक जगह जाता है जो कि शकेम जगह है वहां पे उसकी हड्डियों को गाड़ दिया जाता है जो कि कनन के देश में है तो परमेश्वर ने पूरा होने दिया मैंने आपके साथ इसलिए बांटा है ये बात क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये लोग गए का मिश्र देश में लेकिन वहां पे उनका कुछ भी नहीं रहा वो लोग सब निकल के आए उनकी हड्डिया भी वापस आ गई वहां पे ताकि परमेश्वर के प्रॉमिस लैंड में होली लैंड में वो वापस आके वहीं पे गड़े ताकि जब यीशु मसीह वापस आएंगे जरूर वो हड्डिया में जान आएंगी तो यीशु की हड्डी खड़ी हो जाएगी इंसान बन करके और याकूब की भी हड्डिया जुड़ जाएंगी और वो खड़ी हो जाएंगी प्रोमिस्ड लैंड में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और एक बहुत खूबसूरत सा छोटा सा पिक्चर आपको दिखाना चाहते हैं जो कि दिया दिया पाया गया है जब ये खुदाई की गई है दिया पाया गया है और इतना पुराना दिया है जो कि हेज़काया के, के समय से या ये दिया हो सकता है किसी महल का दिया हो या तो कोई इंसान का पुराने गरीब इंसान का दिया हो यह देखिए कितना खूबसूरत दिया है अलग प्रकार से बनाया है उसमें तेल डाल के बत्ती साइड में लगा करके पता नहीं किस के जगह का हो यह वो राजा का है चाहे कोई गरीब का है लेकिन उस समय का दिया कितना पुराना जो के राजा हेसिकाया के समय का पाया गया पूरी तरह से अच्छा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अगली बार तक